इसमें ये है इंटीग्रल 1 to 7 dx अपॉन x, ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं अपने जो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज करके, तो ये log x आता है ना, 1 to 7 आता है ना, ये याद है ना, इंटीग्रल 1/x क्या होता है। हेलो, हाँ, ये सिर्फ याद है मैम। तो ये आएगा, सो दिस इक्वल टू लॉग ऑफ 7, मॉड 7 7 होता है, माइनस ठीक है, लॉग 1। लॉग 1 की माइनस वैल्यू वन क्या होती है, वन लॉग 1 की वैल्यू, जीरो जीरो हाँ तो लॉग 1 तो 0 होता है। तो लॉग 7 जब हम लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली में ये लॉग 7, जब हम नीचे कुछ नहीं दिख रहे हैं, तो ये बेस ई होता है यहाँ पर। तो ये लॉग 7 बेस ई की तुम्हें बुक में वैल्यू दे रखी है 1.9587, ठीक है। जब तुम इसको इवैल्यूएट करोगे यूजिंग सिम्पसन्स रूल, तो तुम्हारा आंसर इसके आसपास कुछ आया होगा। अगर तुमने सिम्पसन रूल अप्लाई किया है, तो तुम्हारा आंसर 1.9587 के आसपास आया होगा। तो ये इसने डायरेक्ट में बताया कि ये आंसर आएगा। एक तो डायरेक्ट में आता है, एक सिम्पसन रूल है, किया है हाँ, इवैल्यूएट इसको। ये करा एक मिनट, मैं आंसर निकालता हूँ। मेरा ये आंसर नहीं आया, मेरा अलग आया है, पता नहीं मतलब क्या जैसे कुछ किया था। तुमने, बताओ। सिम्पसन रूल नहीं लगाया मैंने क्या? हाँ, सिम्पसन रूल है, इसमें लिखा हुआ है यूजिंग सिम्पसन रूल टेकिंग एन इक्वल टू 6। तो पहले तो हाँ, एच निकालोगे, एच इक्वल टू, एच इक्वल्स टू ये है ना, फोर नहीं, फोर कह रहा हूँ, सिक्स। 7 - 1/6 इक्वल टू, क्या है मेरा एच इसमें, इक्वल टू क्या आएगा, एक मिनट दोबारा कैसे बुक करता एन हूँ। सिक्स है ना। ये सिक्स है और 7 - 1 डिवाइडेड बाय 6 है ना। हाँ, तो 1 आएगा, 1। आएगा, तो अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। हाँ, तो यहाँ एक्स लेंगे और यहाँ पर वाई लेंगे, ठीक है। हाँ, एक्स और वाई लेंगे ना, वाई क्या है हमारा, इक्वल टू लॉग एक्स, तो यही लॉग चाहिए, वाई इक्वल टू लॉग एक्स। तो जब हम लॉग एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा बेस ई होता है ना। तो अब हमें 1 से स्टार्ट करना है, 1, और एच हमारा 1 है, तो 2 3 यही लिया था तुमने, फोर यस सर। फाइव और 6। तो अब 1 पर वैल्यू क्या आई, वन पे एक मिनट मैम। हाँ, 1 पे 1 वन पर 1, लॉग 1 1 होता है। जीरो 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 जब ऐसी गलतियां करोगे तो आंसर कैसे आएगा। अब 2 पर, तो मेरा है 0.3010। कैलकुलेटर देखो, अगर तुमने वैल्यूज ठीक नहीं दी होंगी, जब ऐसी ठीक नहीं आएगा है ना। 3 पर वैल्यू क्या आई, 0.33। 0.334 पर, तो हाँ, 4 पे एक दोबारा करूँ, क्या लिखा हुआ है, 0.2 और 0.2525, 5 पर, 5 पे 1.0.2 6 पे, 0.16। थोड़ा और डेसिमल निकाल लो। 1/6 क्या दे रखा है कैलकुलेटर में, कैलकुलेट एक मिनट करना पड़ेगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी ना। एक्स
6 6 आगे जाते जा रहा है। अच्छा तो ये 0.333 ऐसे आ रहा है ना, हाँ, और ये 0.166 है, तो 167 कर दो फिर, ओके। ठीक है। तो अब ये तुम्हारा हो गया। अब ये फर्स्ट वाली रीडिंग क्या होती है, वाई नॉट, अच्छा हाँ, वाई नॉट, y1, ये y2, वाई y3, टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव। y4, y5। अब सिम्पसन्स रूल अप्लाई करो। ओके, सिम्पसन्स रूल के हिसाब से क्या बनेगा? हिसाब से ये बन जाएगा सिम्पसन्स रूल का क्या फॉर्मूला है? एच वो डिवाइड बाय 3 वाला, तो एच डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट I इक्वल टू वाई डिवाइडेड जी, बाय 3 ब्रैकेट हाँ ब्रैकेट ब्रैकेट वाई 0 प्लस वाई 6 मतलब 5 प्लस प्लस 2 वाई 2 माइनस वाई 4 माइनस कहाँ से आ गया? माइनस नहीं माइनस नहीं प्लस 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 वाई 4 वाई टू प्लस वाई फोर आगे फोर प्लस हाँ प्लस 4 वाई 1 प्लस वाई हाँ ये किया था तुमने, यस मैम सेम था ये। तो वाई जीरो प्लस वाई फाइव जब करेंगे तो 1.1667, ये तो ये बन गया। प्लस टू इंटू वाई टू कितना है, 0.333 प्लस वाई फोर 0.2 है, प्लस फोर टाइम्स वाई वन कितना है, 0.5, प्लस वाई थ्री वाई 0.25 0.25। ये सब्स्टिट्यूट ध्यान से करना, और ये वाई जीरो वाई वन वाई टू पहले लिख लेना, वरना गलत पुट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यस मैम। अब ये कैलकुलेटर से क्या है आंसर फिर? मेरा कुछ 1.23 ऐसे कुछ जा रहा था, 1 पॉइंट कह रहा हूँ, ऐसा कुछ 6.32 पॉइंट ऐसे कुछ जा रहा था, 6.32 ऐसे कुछ 6 पॉइंट करके देखता हूँ दोबारा, 1.1667 एच हमारा वन था, एच हमारा 1 था, हाँ 6 बाय 6 1 था, हाँ 1 2 3 4 में वन का ही गैप है ना, ऊपर देखो, हाँ 1.1667 प्लस 1.066 प्लस 3.0, ये कितना आया? ये आया है 5.2327, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 1.744, 5.237 2327 टू सा, हाँ कितना आया? फिर डिवाइड करने के बाद आया ये 1.7442 7442 ये क्लियर हाँ है? तो वैसे 1.9 आना चाहिए, तो इतनी एरर आ रही है, इसका मतलब इंटरवल अगर ले लेते हैं तो एरर कम होती जाती है, तो इंटरवल जो दे रखा है उसके हिसाब से तो यही आ रहा है 1.7। एग्जैक्ट तो नहीं आता ना, अच्छा एग्जैक्ट नहीं आता,
क्योंकि अगर इसमें एग्जैक्ट तो नहीं आता ना, बाकी कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि ड्रास्टिक फर्क आ जाए। 1.744 आ रहा है और ऊपर था 1.95 जो वैल्यू दे रखी थी मैं, 1.95 दे रखी है ना वैल्यू। 1.9587 बाकी कैलकुलेशन देख लो, मेरे ख्याल से तो ठीक ही होगा। हाँ, पिछली बार मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती करी होगी। ओके वैसे हम इसकी वैल्यू चेक भी कर सकते हैं, हाँ हाँ हमारे पास यहाँ पर इसमें जो है लॉग 7 की वैल्यू ये, तुम्हारी बुक में कुछ गलती लग रही है मुझे, लॉग अच्छा IN है तो सही, ठीक है नहीं ठीक है। अगर अगर बेस ई होगा ना, ठीक है अगर क्वेश्चन में बेस ई होगा, सुधार सुन रहे हो मेरी बात, हाँ यस मैम। अगर तुमको मान लो यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ी हमको, मान लो कैलकुलेटर से देखना पड़े, तो अगर तुम्हारे पास मान लो लॉग ऑफ 5 है और बेस ई है, तो तुम IN जो लिखा हुआ है ना कैलकुलेटर में हाँ इससे निकालोगे तो बेस ई का आंसर आएगा। IN5 इक्वल्स टू 1.6094। अच्छा, 1.604 94। है। और अगर लॉग प्रेस करोगे, अगर तुम लॉग 5 देखोगे तो कैलकुलेटर से तो वो वो आ बेस रहा है है। हाँ 0.6989। 0.6989 ये आ रहा है, हाँ, ये सुन। हाँ तो जो भी वैल्यू है। तो अब मेरी बात समझ में, अगर कभी भी क्वेश्चन में बेस ई हो तो तुम्हें ये नेचुरल लॉग, ये LN जो होता है ना, ये हाँ, होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉग का मतलब बेस ई, तो जब भी कहीं नेचुरल लॉग की जरूरत पड़े, बेस ई की जरूरत पड़े, तो ये IN से या LN से कैलकुलेट करना है। LN होता है एक्चुअली ये, और हाँ अगर बेस 10 हो तो जो LOG लॉग दे रखा है उसकी हेल्प लेनी हाँ ओके। है। इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं थी, यहाँ पे तो एग्जैक्ट वैल्यू उसने बुक में दे ही दी है, अगर ना दे रखी हो तो अब क्या इसको कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे log 7 base e का को, क्या ये इसको शो कैसे करेंगे फिर, ये log base e7 को। हाँ हाँ ये कुछ नहीं कह रहा, उसने आंसर नहीं दिया है तुम्हें, देखो बुक में पीछे आंसर नहीं दे रखा ना इसका, हाँ तो तुम्हें कह रहा है हेंस शो दैट log 7 base e इज दिस। तो log 7 base e जो है 1.9587 होना चाहिए, बट हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1.7442 आ रहा है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मतलब हाँ ये जो बुक में क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो यही आंसर बनना चाहिए था, 1.9587 है ना, बट अच्छा अच्छा नहीं बन रहा है यहाँ पे ना, यहाँ हाँ, समझ गया पे समझ जो गया। हमारा आ रहा है वो 1.7 आ रहा है, तो एक बार चेक कर लो, हाफ पर 0.5, 3 पे 1/3, एक डेसिमल और इंक्रीज भी कर दूंगी तो भी कुछ नहीं, 1/4 पे 0.25, 5 पर 1.5 0.2, हाँ 6 पे 1/6, ये 1/6 चेक कर लेना, यही वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर से, तो 1 मिनट, 1 बाईस एरर नहीं होनी चाहिए कहीं, बाकी तो एग्जैक्ट वो तो नहीं आ रहा है, पॉइंट ओके 1.66 आ रहा है ना, तो हम 0.1667 कर दिया हमने, इससे तो कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, और यू सिम्पसन से रूल ही करना है। V0 Y0 इज 1 प्लस Y5, Y5 इज 0.1667,
यही तो है, तो ये 1.1667 आ रहा है, प्लस 2 टाइम्स y2 जो है वो हमारा 0.333 है, प्लस y4 0.2 है, 1/5.2 होता है, तो 0.533 है, प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y3, y5 यहाँ कवर हो ही गया, y1 y3 दो ही तो ऑड है, तो y1 इज 0.5, y3 इज 0.25, इसको हमने ऐड किया 0.75, ये चेक कर सकते हो, एट द मोस्ट 5.2327 ही आ रहा है, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, ओके 1.1667, 1.066, ज्यादा ज्यादा 1.6 और ले लेंगे अगर 333 चलाते भी तो, 5.23, हाँ यही आ रहा है मैम, 5.2333. जब तक ये 5.7 ना हो तब तक 1.9 नहीं पहुंचेगा ये, है ना? ये तो मतलब एग्जैक्ट आंसर तब आएगा अगर हम n को और बढ़ा देते हैं, अगर हम n को और ज्यादा ले लेंगे तो ये एग्जैक्ट आंसर की तरफ जाएगा। यहाँ पे तो यही आंसर आएगा। एक चीज मैं देख रही हूँ, जब हमने ये टॉपिक किया था तो इसमें क्लॉज था सिम्पसन्स रूल इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ पार्ट्स आर इवन, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आर ऑड। तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑड होने चाहिए, जबकि हमारे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स यहाँ पर इवन है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें उसने कहा है सिम्पसन्स रूल टेकिंग एन इक्वल टू 6, तो 6 ऑर्डिनेट्स हेलो हाँ हाँ मैं ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन में जैसे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स जो हैं वो ऑड होने चाहिए, ओके, जबकि यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट जो हैं, सिद्धार्थ एक गलती हुई है देखो, ये यहाँ पे एक्स जो था ये 7 तक जाना था ना, अरे हाँ देखो ये यहाँ पे मैं कह रही हूँ कहीं कुछ मिस हुआ है, वन हाँ अच्छा ये 7 तक जाना था इसीलिए गड़बड़ हो रही है। तो अब ये वाई ये सारा अब चेंज हो जाएगा, वो 6 तक थोड़ी था, 7 पर वैल्यू निकालो क्या आ रही है, okay, 7 पे 1/7 कंप्यूटर कहाँ गया, कोई इतना फर्क नहीं आ सकता कभी भी, हाँ 7 पर 1/7 तो 1/7 कितना होगा, 0.1428 अच्छा तो 0.1428 ये आ रहा है कैलकुलेटर से, हाँ यस सर, मैंने भी नहीं देखा तुमने भी देखा, इंटीग्रल 1/7 था, 6 थोड़ी था, वो मैं लॉक से ही ऐसी कंफ्यूज हो गया था ये लॉक कहाँ से आ गया,
वो मैं लॉग से ही कंफ्यूज हो गया था, लॉग कहाँ से आया, तो वो मैंने फिर इग्नोर ही कर दिया उसको। 0.1428। तो तुमने जब क्वेश्चन ट्राई किया था तब क्या किया था? तो तब तो 7 था, फिर तो अभी बोला क्यों नहीं तुमने? मेरे को लगा वो एक कम होता है ना, 0 से चलता है ना, तो मैं वैसे कंफ्यूज हो गया उसमें। अरे 0 से चलता है तो भाई 6 तक जाएगा ना, ये ऊपर यहाँ पे तो 7 तक आएगा, इंटीग्रल तो 1 to 7 था। हाँ, इंटीग्रल 1 to 7 y dx है ना? YDX नहीं, वन चाहिए बाय y तो 1/x है, अच्छा, हाँ वाई है, वाई है, h/3 हाँ y एच बाय डिवाइड थ्री बाय 6। वाई 6 प्लस 2 इंटू वाई बाय 2 प्लस वाई बाय y2 फोर पहले फॉर्मूला लिख लो वरना गलती हो जाएगी। टू अच्छा y2 प्लस y4 वाई 4 प्लस 4 प्लस इंटू वाई प्लस वन प्लस, टाइम्स हाँ 4 टाइम्स y1 वाई वन वाई फाइव, प्लस y3 प्लस, हाँ वाई 3 प्लस वाई 5। मैं कहूँ ये सारी चीजें फिट नहीं बैठ रही, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? इंटीग्रल 1 to 7 है, सो दिस इक्वल टू h/3, y0 इज 1, एक टर्म ही गायब हो गई ना, इसीलिए आंसर में फर्क पड़ा। हम इंटीग्रल 1 to 6 निकाल रहे हैं, 2 times y2 0.333 प्लस y4 0.2 प्लस 4 times, 4 decimal प्लेस तक ही ले लेते, 4 times y1 0.5 प्लस y3 0.25 प्लस y5 0.1667। ठीक है, यस सर, सो दिस इक्वल टू h/3 1.1428 प्लस 2 times 0.2 तो 0.5333 प्लस 4 times कितना बन रहा है? 1.5, वन नहीं, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.1667 इक्वल्स टू 0.9167, हाँ 916, ठीक है। सो दिस इक्वल टू एच तो 1 ही है, 1/3 कर दो इसको, तो 1.1428 1.066 प्लस 4 times करो मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर से करो देखो क्या आ रहा है। पॉइंट 8762, 5.8762, 5.8762। अब इसको डिवाइड करो बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, आ गया आ गया, यस मैम आ गया। ठीक है ना? और यही चाहिए था हमें, 1.9587, यही आ गया ना 1.9587। यस मैम, तो वो ये ध्यान से करना होता है क्वेश्चन को बहुत ज्यादा, अगर कुछ भी मिस किया तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये वो 6 ऐसा दिमाग में बैठा कि वो 6 के आगे लिखा ही नहीं, 7 दिखा ही नहीं, 7 मिस किया तो सारा क्वेश्चन फिर गड़बड़।
ठीक है, समझ आ गया अभी? अच्छा यस सर। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको कैसे किया तुमने? इसमें इंटरवल क्या क्वेश्चन दिया? नंबर थर्ड, इसमें मैंने इंटरव्यू लिया पाई बाय 22 का। क्यों? 11 ऑर्डिनेट्स हैं। हाँ, तो और उसे मैंने माइनस करा और डिवाइड करा कितने पाई बाय पार्ट्स? 11। बेटा 11 ऑर्डिनेट्स हैं, जैसे ये ऊपर, यहाँ पे 7 ऑर्डिनेट्स हैं, 7 ऑर्डिनेट्स हैं ना, 7 ऑर्डिनेट्स हैं, तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ ये? ये 1 to 7 हाँ7 है, ठीक है? तो ये 2 आया, ये 3 आया, ये 4 आया, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, तो कितने पार्ट्स हुए? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स हुए ना, तभी यस तुमने सर। यहाँ पर 6 से डिवाइड किया था, है ना? तो यस सर। 11 ऑर्डिनेट्स दे रखा है, तो कितने पार्ट्स हुए? कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 11 टेन ऑर्डिनेट्स, हाँ, तो 11 ऑर्डिनेट्स डिवाइड इनटू, टेन पार्ट डिवाइड द इंटरवल इन 10 पार्ट्स। तुमने ट्राई नहीं करी है एक्सरसाइज? तो 0 to π/2 है, तो h क्या आएगा यहाँ पर? 0 to π/2 है। यहाँ पे मेरा एच आया था π/22। 0.22 नहीं आएगा ना, तो 22 से तो गलत आंसर आएगा, मैम पाई बाय ट्वेंटी 11 है, 10 नहीं है। यही तो समझा रही है तुम्हें। 11 ऑर्डिनेट्स हैं, अच्छा 11 हाँ ऑर्डिनेट्स का मतलब ओके है 10 पार्ट्स, एंड 10 होगा, जितने पार्ट्स होते हैं वो एन की वैल्यू होती है। हमारा समझ गया समझ गया समझ गया। फॉर्मूला होता है h=b-a/n, एन होता है नंबर ऑफ पार्ट्स, अच्छा ऑर्डिनेट्स अलग है। ऑर्डिनेट्स मतलब कि कितने हम ये ले रहे हैं यहाँ पर वैल्यूज, जैसे यहाँ पर ये 7 वैल्यूज ली, तो 7 ऑर्डिनेट है पर 6 पार्ट है, यही तो तुम्हें समझा रही हूँ। ये देखो टिक्का लगा के मैंने समझाया ना, 7 ऑर्डिनेट्स डिवाइड इनटू 6 पार्ट। जैसे सिक्स पार्ट मान लो 3 ऑर्डिनेट हो, मान लो 1 2 3, 3 ऑर्डिनेट्स हैं, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ ये 1 2 3 वाला टू इंटरवल? पार्ट्स में। एक ये और एक ये, तो एक कम हो जाता है ना जितने ऑर्डिनेट्स उससे। अब जो आपको बात आई, समझ गया समझ गया। तो एन जो होता है, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्ट्स, नॉट ऑर्डिनेट्स। ओके तो ये एच जो है पाई बाय 20 लेकर के करोगे तब आएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ यस सर। अब ये क्वेश्चन करके मुझे भेजना, ओके मैम अभी करता हूँ। ठीक है? थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये वाले क्वेश्चन करना, नहीं नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, लेकिन अगर पूछोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो मैम फिर कर पाओगे? हाँ तो ऑर्डिनेट्स मतलब होता है, अच्छा इक्वल पार्ट्स तो फिर वो हो गया तो ऑर्डिनेट का ठीक है। मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, कितने वाई कोऑर्डिनेट है, तो कितने वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पर? 7। नंबर सेवन सेवन ऑफ पार्ट्स इन विच 1 to 7 इज डिवाइडेड इज 6। इसी तरह से यहाँ पर ऑर्डिनेट है 11, 11 ऑर्डिनेट डिवाइड 0 to π/2 इनटू 10 पार्ट्स। ये डायग्राम दिमाग में रखो, ये 3 ऑर्डिनेट्स हैं, 3 ऑर्डिनेट्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 3 तो एकदम करके देख सकते हो ना, ये तो 3 ऑर्डिनेट्स डिवाइड
इंटरवल वन टू थ्री इन टू पार्ट्स, ठीक है? समझ में आया? यस मैम। आगे चलो अब। ये एक्सरसाइज करके मुझे भेजना, फिर वरना कर नहीं पाओगे बेटा पेपर में। अगर करोगे नहीं तो नहीं कर पाओगे, वहां नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो फॉर्मूलाज थे, ये तुम कह रहे हो तुम्हारे कोर्स में हैं? है ना, एक तो एरिया एरिया वाला था, एरिया बाउंडेड, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं बुक में। एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b and between x equal to a comma x equal to b and x axis, ठीक है? is okay. integral a to b y dx। तो ये तुमने 12th में भी पढ़ा था। अगर हमारे पास ये यहाँ पर ऐसे x इक्वल टू a हो और ये x इक्वल टू b हो, एक धारा वाला दे दीजिए और सब, और ये ऐसे कर्व हो, तो हमें अगर ये एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस, ये वाला एरिया, ओके, दिस इज इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व है। ये याद है? तो ये बेसिकली अबव द एक्स एक्सिस की बात ही कर रहा है, इसीलिए उसने मॉड वगैरह कुछ नहीं लिया। तो इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स इज दिस इज। फिर सेकेंड है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये मैंने तुम्हें पिछली बार समझाया था कि रिवॉल्व करते हैं तो कैसे वो एक 3D शेप टाइप बन, रिवॉल्व करते हैं तो कैसे वो एक 3D टाइप बन जाता है, 3D फिगर बनती है जिसका वॉल्यूम जो है फॉर्म्ड बाय अभी तुम्हारे वाइवा खत्म हुए नहीं हुए? परसों आखिरी है। फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। वो तो एरिया की बात थी, अब ये वॉल्यूम की बात है। सो अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये जो वॉल्यूम है इसका ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, फिर बी इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी पाई y स्क्वायर dx, ठीक है? इंटीग्रल a टू b पाई y स्क्वायर dx। फिर तीसरी चीज मैंने तुम्हें समझाई थी लेंथ ऑफ द आर्क। अच्छा अच्छा वो वाला लेंथ ऑफ द आर्क, इसके सॉल्व एग्जांपल्स हैं बुक में।
कर्व, वाई इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। एक्स इक्वल टू ए कॉमा ले लिया, अब कॉमा एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी रूट। ये तो तुमने क्वेश्चन ट्राई नहीं करे होंगे, वन नहीं, ये वाले नहीं करे। हाँ प्लस तो पीछे एक्सरसाइज में है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो इसमें जो है हमें ये फंक्शन जो है ये कंसिडर करना पड़ेगा, रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हर एक केस में, तब ये लेंथ ऑफ द आर्क आएगी। जैसे ये हमारे पास कर्व है, यहाँ पे ए है, ये है बी है, तो ए टू बी ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है ये अगर पूछी जाए तो ये इस फॉर्मूला से निकालनी। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें एक मेन चीज रह गई है, दैट इज एरर पर भी क्वेश्चन है बीच बीच में, तो ये तुम्हें याद करना है फॉर्मूला, एरर इन ट्रेपीजॉइडल इज कॉन्टिन्यूअस तो लार्जर देन, मतलब कि इससे कम होगी एरर, इज नो लार्जर देन माइनस बी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन तुम इस फॉर्म में या वैसे मैंने फॉर्मूला दोनों फॉर्म में दे देती हूँ, पर बेटर ये है कि दूसरी फॉर्म में याद रखो, ओके। अपॉन 12n² क्योंकि बाई चांस पूछ ही गए, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी माइनस ए, ठीक है, ये बी माइनस ए अपॉन एन जो होता है वो एच होता है ना, तो बी माइनस ए अच्छा। का होल स्क्वायर, मतलब बी माइनस ए में से अगर मैं बी माइनस ए का होल स्क्वायर अलग कर लूं और नीचे क्योंकि एन स्क्वायर है तो ये एच स्क्वायर बन जाएगा। आंसर h² बन जाएगा। हाँ तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और अच्छा, फिर एक निकाल दिया। ओके। एफ डबल डैश एक्स की जगह वाई डबल डैश एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, चाहे ये या ये बात एक ही है, एन नंबर ऑफ पार्ट्स है, इसमें एच जो है विड्थ है, तो बात एक ही है, बी माइनस ए अब होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर क्योंकि एच स्क्वायर बनेगा, तो उसने इस फॉर्मूला में एच की टर्म्स में दे दिया, ऊपर एन की टर्म्स में दे दिया। ठीक है, हाँ। फिर वाई डबल डैश एक्स लिखो या एफ डबल डैश एक्स लिखो, बात बराबर है ना, वाई ओके। डबल डैश एक्स इज द लार्जेस्ट वैल्यू इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई जीरो डबल डैश वाई वन डबल डैश वाई टू डबल डैश सो ऑन वाई डबल डैश एन माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, इसको लर्न कर लेना,
और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं तुम्हें करा दूंगी, ठीक है? हाँ नेक्स्ट है, क्लियर माय कंस्ट्रक्ट्स एरर इन सिम्पसन्स रूल, एरर इन सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये जो है F4 x की टर्म्स में वो थर्ड डेरिवेटिव की यहाँ पे जो था इस केस में ये सेकंड डेरिवेटिव की टर्म्स में है ना, यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव की टर्म्स में है। इफ एफ फोर्थ एक्स, इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव f4th x is continuous in closed interval ab, then the error in Simpson's rule, then the error Simpson's rule is no larger than मतलब कि is not more than, इससे ज्यादा की एरर नहीं होगी, is no larger than minus b minus a h 4 upon 180 f ठीक है, ये यहाँ पे भी ऐसे वाला ही लिख लो, फोर्थ फोर्थ ऐसे लिखते हैं ना, फोर्थ डेरिवेटिव। तो b माइनस ए एच फोर अपॉन 180 एफ फोर एक्स, तो इसको n की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। अगर मान लो n की टर्म्स में फॉर्मूला तो h की जगह b माइनस ए अपॉन n पुट कर दो, है ना, वो तो तुम खुद भी कर सकते हो। एक फॉर्मूला याद करोगे ना, सारे याद करोगे तो कंफ्यूजन होता है। वेयर एफ फोर्थ एक्स इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ये y की टर्म से लिख देती हूँ, एफ एफ लिखने में दिक्कत होती है। y 4 0 y 4 so on ठीक है। यस सर। तो इसमें जो एरर है वो एच फोर के ऑर्डर की है, इसमें जो एरर है वो एच स्क्वायर के ऑर्डर की है, ठीक है? ये तुम्हारी बुक में पेज 11.29 पर दे रखा है, समझ आ गया?
एक मिनट, मैक्सिमम एरर यूजिंग एरर इन सिम्पसन्स 1/3, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि कंप्यूट द एरर फॉर इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन 1 + x टेकिंग n इक्वल टू 4। अब हमारा यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो ये हमारे पास ऊपर दे रखा है एरर का फॉर्मूला। एरर जो होती है उसके लिए हमें फॉर्मूला हमारे पास क्या है, माइनस बी माइनस ए एच फोर अपॉन 180 एफ 4x, ठीक है। तो अब हमारे पास एच की वैल्यू तो यहां पर आ जाएगी, एच किसके इक्वल है, एच का क्या फॉर्मूला होता है, एक मिनट, एच इक्वल टू एच इक्वल्स टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन या फिर स्पेस बिटवीन गैप। एच आ गया हमारे पास बी माइनस ए 1 - 0 अपॉन एन इज 4, सो दिस इज 1/4, ठीक है। एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, इस क्वेश्चन में एफ एक्स किसके इक्वल है, इस क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल्स है 1/4 के ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं फंक्शन 1/1 + x, 1/1 + x। तो अब एफ एक्स इसके इक्वल है, हमें इसका ये फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स लिखो, एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, इसको लिख लोगे 1 + x की पावर -1, अब पावर फॉर्मूला लगाओ और एफ डैश एक्स क्या आएगा, log वही आएगा, बस नेगेटिव का वन हट जाएगा। क्या आएगा डेरिवेटिव, क्या आएगा, अच्छा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या आएगा, log, log कहाँ से आ गया, इंटीग्रल होता है log, डेरिवेटिव क्या है, वो तो जीरो नहीं हो जाएगा, एफ डैश एक्स जीरो क्यों होगा, 1 + x - 1, तो -1 into 1 + x जीरो, जीरो क्यों, -1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 हुआ, नहीं नहीं -2 - 2 और डेरिवेटिव ऑफ 1 + x करेंगे तो क्या आएगा, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 + x, 1 + x क्या होता है, 1 + x क्या होता है, डी बाय डी 1 + 1 तो 0 हो जाएगा, x का 1 आ जाएगा, 1 वो इनटू 1 ही बन रहा है, ठीक है ना। हाँ अब f डबल डैश x सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो, बार बार जीरो कहाँ से दिख रहा तुम्हें, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी
टू हो जाएगा टू टू लिखता रहता हूँ, 2 1 प्लस x इंटू 1 पावर पावर हो जाएगी -3 एफ ट्रिपल डैश एक्स अरे बाप रे और डेरिवेटिव माइनस का 6 1 प्लस x -4 फोर्थ डेरिवेटिव -24 1 प्लस x +24 1 प्लस x -5 पावर माइनस है। ठीक है, तो अब हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास बी माइनस ए है, एच भी है, 1/80 भी हमें पता है, एफ फोर एक्स का क्या मतलब है? F4x का मतलब है कि ये जो वैल्यूज आएंगी इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू, तो हमें देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी वैल्यू F4x की क्या आती है। ये यहाँ पे एक्स ले लो और ये यहाँ पे F4x। ठीक है, अब F4x जो है हमारा किसके इक्वल है? 24 24 अपॉन 1 प्लस x की पावर 5, यही आया ना। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक एक्स की वैल्यू के लिए। अब हमारा एच 1/4 है और हमारा इंटरवल 0 to 1 है, तो 0 लेंगे, फिर नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लेंगे अच्छा यार हमारे पास 1 प्लस 4 ना, तो 1 प्लस 4 1/4 1 प्लस 4 नहीं 1/4। नेक्स्ट नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे 2/4। चल कहाँ तक रहा ये चल रहा है इसके बाद, हाँ यहाँ 1 आ जाएगा। अब 0 पर वैल्यू क्या आएगी? 0 पर वो भी कितना चल रहा है 4। अच्छा 24 इंटू 1 प्लस 0 जीरो जीरो नहीं आएगा, 24 भी तो इंटू में है। तो 1 प्लस 0 तो 1 होता है। अच्छा हाँ हाँ सॉरी सॉरी 1 प्लस 0 1 माइनस 5 1/4 कैलकुलेट करें, हाँ हाँ 24 अपॉन 1 प्लस 1/4 कितना हुआ? 5/4 की -1 पावर 5, ये बन रहा है। डिनोमिनेटर में लिख लो ना उसको, हाँ 2.5 या पावर कैलकुलेटर में डाल दो। 0.32768 इंटू 24 7.864 7.864 ये आंसर आ गया, हाँ हाँ इसका हाँ 7.864। ऐसे ही नेक्स्ट कैलकुलेट करो, 2/4 का मतलब हाफ हो गया ना, हाँ तो हाफ से कुछ देख लो क्या आ रहा है। ये जो 24 है वो यहाँ पे पुट करेंगे, ये देख रहे हो, ओ अच्छा। तो हमारी जो मैक्सिमम एरर आएगी, मैक्सिमम एरर माइनस बी माइनस ए, बी माइनस ए कितना है? 0 to 1 था, 0 to 1, तो बी माइनस ए इज 1 माइनस बी माइनस ए अपॉन 180 इंटू H4, H कितना है? 1/4, H4 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F4x इज 24,
समझ आ गया कैसे निकालना है? यस सर। तो ये है -24 अपॉन 180 इंटू 4 की पावर 4, 256। तो ये कैलकुलेट कर लो, ये तो बस आंसर आ जाएगा, बच्चे में एरर आ गई। 0.00052 तो ये हमारी एरर जो है मतलब इतनी मैक्सिमम इतनी एरर आ सकती है सिम्पसन रूल में इस टाइप के क्वेश्चन। अगर हम 1/1 + x का इंटीग्रल निकालेंगे डिवाइडिंग इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स तो हमारी मैक्सिमम एरर जो है इतनी आएगी, देख रहे हो? नेग्लिजिबल एरर -0.00, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -0.52 × 10⁻³। ठीक है, समझ आ गया कैसे एरर निकालनी है? यस सर। तो इसी तरह से अगर ट्रेपेजॉइडल रूल से एरर निकालनी हो तो हमारे पास यहाँ तो हमने फोर्थ डेरिवेटिव किया था, यहाँ पर हम कौन सा करेंगे? अप टू सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव करके और इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे और y डबल डैश x जो है वो मैक्सिमम वाला। ये क्वेश्चन में लिखा आता है क्या कि ट्रेपेजॉइडल से करना है? अच्छा 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 उसकी तरह ही जैसे हमने पहले वाले। अरे ठीक है, होगा कि एरर जो है किससे निकालो। हाँ। तो जिससे लिखा होगा वही मेथड से निकालूंगा। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, द लेंथ ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन x बिटवीन 1,1 एंड 5,1/5। तो हमें लेंथ निकालनी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, कर्व की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज टेबुलेटेड वैल्यू गिवन बिलो। अब लेंथ का जो फॉर्मूला है, लेंथ का फॉर्मूला यहाँ मैंने दिया था अभी, ये देखो, ये इंटीग्रल ए टू बी 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसमें हमें वैल्यूज दे रखी हैं यूजिंग द वैल्यूज गिवन बिलो। ये वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी हैं एक्स, और यहाँ पे दे रखा है यू इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो क्या वैल्यूज दे रखी हैं? 1 × 1.414 2 × 1.031 3 × 1.007 4 × 1.002 5 × 1.414 1.031 1.007 1.002 और 1। तो अब हमें लेंथ निकालनी है। अब लेंथ का जो फॉर्मूला है L इक्वल टू
इंटीग्रल ए टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर तो अब इस केस में पहले तो ये देखो कि डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बनता क्या है तो वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा यस सिद्धार्थ क्या मैम इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स का 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव एक्स माइनस वन माइनस वन एक्स माइनस टू हाँ तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया हाँ अब उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो इंटीग्रल ए टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा इसे पुट करोगे तो क्या बनेगा मतलब स्क्वायर करेंगे तो एक्स का दोबारा स्क्वायर करो हाँ इसका स्क्वायर क्या आएगा अच्छा उसका स्क्वायर वो हो जाएगा 1 x की पावर 4 dx ठीक है तो ये बन गया दिस इक्वल टू इंटीग्रल a टू b 1 to 5 हो गया और ये हो गया x4 1 प्लस एलसीएम लेंगे तो रूट x4 प्लस 1 अपॉन x4 dx तो इसका इंटीग्रल मुझे निकालना है तो इसका इंटीग्रल जो होगा वो लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी ठीक है अब x4 प्लस 1 अपॉन x4 की वैल्यूज हमें ये क्वेश्चन में दे रखी हैं तो इसका स्क्वायर रूट भी दे रखा है पूरा ही दे रखा है तो ये वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x4 अपॉन x4 और यही मुझे चाहिए ठीक है हेलो यस यस सर तो ये हमारा एक तरह से हो गया u0 ये हो गया u1 ये u2 ये u3 ये u अब फॉर्मूला लगाओ दिस इक्वल टू हाँ सिम्पसन्स रूल लगा एक मिनट मैम h/3 अच्छा वो पुराना वाला फॉर्मूला हाँ हाँ इंटीग्रल तो सिम्पसन रूल से ही करेंगे ना ओके ओके वो है h/3 ब्रैकेट u0 प्लस un un कितना है यहाँ पे अब यू है ना 1 2 3 4 u4 प्लस 2 u2 प्लस 4 u1 प्लस u3 बस अब ये यहाँ से वहां से लेके यहाँ पुट कर देना इसमें ये वैल्यूज है ना ये वैल्यूज जो है इनको यहाँ पुट कर दोगे तो दिस इक्वल टू h/3 u0 प्लस u4 कितना आएगा u0 प्लस u4 1.414 प्लस 1.0315 कितना नहीं
1.001 है, 1 है, देखो कि मैंने ऊपर तो नहीं गलत, फाइव नहीं, 1.001 है। था ना, एक बार चेक कर लेना क्या है ये, एक बार चेक कर लेना, वन पुट करेंगे इसमें, अच्छा, एक बार चेक करता। इसमें फाइव पुट करेंगे ना, एक्स इक्वल टू फाइव, हाँ, x equals to 5 में। तो एक मिनट, 627 वन डिवाइडेड बाय 5, वन डिवाइडेड बाय, 5 की पावर 4, 625 होता है ना, आएगा तो 1.00, ना 1.001 ही बन, हाँ, टू यू टू, यू टू है 1.007, प्लस 4 यू वन प्लस यू थ्री, ठीक है, तो अब ये सारा सॉल्व कर लोगे तो घर पर आंसर आ जाएगा, समझ आ गया। हाँ, यस।